अभी मेरी बेटी के साथ बात कर रही थी, उसको पूछी मामा तुमको तो पियाजी बनाना आता होगा ना, मामा पियाजी कैसे बनाते हैं? तो मैं बोली प्याज को डालकर बेसन में तल लेना है। तो अरे आपको तो आता है, आप बना लो, हम खा लेंगे। फिर अभी जाके पापा बोले हाइड एंड सीक बिस्किट लेकर आ जाइए, वो खाएंगे। बच्चे कितना सयाना होता है देखिए। और आप क्या कर रहे हो हीरो बेटा? क्या करो ये देखिए, ये ही अच्छा बच्चा है। जाकर सब जो डिब्बा में दिखाया वो उसमें से सब निकल निकल कर ला कर खा रहे। आलू भुर्जी खत्म हो गया, खत्म करके आ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय चैनल दीप्तिस पैराडाइज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? चलिए आज का वीडियो देखते हैं, किचन में चलते हैं। उसके पहले थोड़ा श्यामा को देखते हैं। श्यामा क्या कर रहे हो? वो अभी मेरे वीडियो में नहीं आने वाली है, उसको पता नहीं क्या होता है, मुझे वीडियो में मत लाओ। और यहाँ मेरे हस्बैंड देखकर महाराज जी वो देख रहे हैं टीवी, उनको चाय दे देते हैं। चलिए, और देखिए मेरा बेटा आलू भुर्जिया खत्म करके चला गया है, और ये डिब्बा इधर रख के। बच्चे भी ना, उनको कुछ पसंद आता है तो वो खत्म होने तक करेंगे। चलिए हम चाय बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। हो गया। अभी दूध डाल देंगे, बना देंगे। अभी मेरी बेटी के साथ बात कर रही थी, उसको पूछी मामा तुमको तो प्याजी बनाना आता होगा ना, मामा प्याजी कैसे बनाते हैं? तो मैं बोली प्याज को डालकर बेसन में तल लेना है। तो अरे आपको तो आता है, आप बना लो, हम खा लेंगे। फिर अभी जाके पापा बोले हाइड एंड सीक बिस्किट लेकर आ जाइए, वो खाएंगे। बच्चे कितना सयाना होता है देखिए। और आप क्या कर रहे हो हीरो बेटा? क्या कर रहे हो ये देखिए, ये ही अच्छा बच्चा है। जाकर सब जो डिब्बा में दिखाया वो उसमें से सब निकल निकल कर ला कर खा रहे हैं। आलू भुर्जी खत्म हो गया, खत्म करके आ गए। और तो नहीं है पैकेट पे, अच्छा उधर कोई फोन कर रहे हैं आपको। तो फिर चलिए कुछ बच्चे लोगों के लिए बना लेते हैं। तो मेरा तो टी बन रहा है। श्यामा बेटा क्या खाएंगे? श्यामा तुम क्या खाओगी? किच भी माने बिस्किट। अच्छा फाइव स्टार आप कौन खाएंगे? वो ड्राई कुछ नहीं खाएगी, स्वीट खीर बना देंगे। हाँ बताओ बताओ, खीर बनाएंगे? नहीं नहीं, टपरेमन। अच्छा टपरेमन, अच्छा वो है, बहुत 5 मिनट का काम है। हाँ सूपी सूपी बना देंगे, टपरेमन बोली। और मेरे पास टपरेमन रेडीमेड है, वो बना लेंगे। चलिए बच्चे लोग को ये सब दे देना बहुत अच्छा है। कौन बनाएगा प्याजी यार? अभी बैठ कर प्याजी बनाएंगे तो प्याज कट करना, फिर उसमें बेसन, सारे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब कौन बनाता है? अभी चलिए हम उनको टपरेमन दे देते हैं। अभी टी, तभी मैं पानी डालकर चली गई यहाँ से। और देखिए अभी बनाते हैं टी। दूध लेने के लिए गई, उधर से हस्बैंड जी के साथ बात करके आ गई, तब तक पानी यहाँ बॉयल हो रहा था चाय के नाम पर। अभी देखिए, अभी आपको बोली ना चाय डालकर गई, और श्यामा के लिए टपरेमन चाय। ऐसे मैं जस्ट खिड़की से उस तरफ देख रही थी कि पूरा उतर कर नीचे चला। देखिए दोपहर को पूरा धोकर उसको इतना क्लीन किया था, इतना गुस्सा आता है अपने आप पर भी, बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं इतने क्लीन करेंगे फिर बार बार वो गंदा हो जाता है, और उसको पूरा रब करके धोना होगा, नहीं तो जल जल के पूरा खराब दिखेगा। तो ये हमारा बेटी के लिए। तो कभी ये लॉकडाउन खत्म होगा? लॉकडाउन खत्म होने का बात नहीं है, एक्चुअली माँ जो कोरोना का खतरा कम हो जाए, सब हर जगह ग्रीन जोन हो जाए, ताकि थोड़ा हम फ्री से कुछ काम कर पाएंगे, जो हाउस हेल्पर आते हैं वो भी थोड़ा हेल्प कर देंगे।
ये बहुत भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि बीमार कुछ नहीं हुआ ये 2 महीना। मेरा तो तबीयत इतना खराब रहता था, पता नहीं कितना ब्लेसिंग है माँ भगवान जी का मेरे ऊपर, पता नहीं मेरा सेहत तो थोड़ा अच्छा है, चल रहा है तो ये हॉस्पिटल जाना कितना मुश्किल पड़ता। चलिए जो भी हो, जो भी भगवान करते हैं, ऊपर वाला जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। ये कोरोना का खतरा बस टल जाए और लॉकडाउन खुल जाए और हर कोई आराम से बाहर जाए, काम करे और सब जो फैसिलिटीज रहते हैं वो उठाए और आनंद में रहेंगे। तो चलिए चाय अभी हम छानेंगे। अभी तो चाय ये करते हैं, मिल्क भी खत्म हो चुका है, मिल्क लेने भी जाएंगे। अभी मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी चलिए थोड़ा मार्केटिंग करके चले आएंगे तो थोड़ा फ्रेश लगेगा, कितने दिन घर में बैठेंगे यार, बहुत ये लग रहा है। हो गया ठुल हो गया टी, और टी पॉय तक जाते जाते नीचे गिरना होता है ना आप लोगों से ऐसा। देखिए अभी हम समोसा बना रहे हैं तो आपको देखकर पता ही चल गया होगा कि मेरा थंबनेल में समोसा का पिक है। तो देखिए 2 कप मैदा ले रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, उसके बाद मोइन के लिए हम दे रहे हैं जो खस्ता लगाएंगे उसके लिए प्योर घी ले रही हूँ, मेरे पास डालडा नहीं है, आप डालडा यूज़ कीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा। फिर देखिए मैं खस्ता लगाने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी में आने के बाद हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा करके देंगे ताकि ये पूरा टाइट दो बने, जैसे कि स्ट्रांग बने, थोड़ा सा भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए तो ये अच्छी तरह नहीं बनेगा। खस्ते वाला जो समोसे होते हैं रेस्टोरेंट टाइप, स्टफिंग के लिए हम लिए हैं बॉइल्ड पोटैटोस, उसको स्मैश करते हुए रखे हैं, तो ये 5 बॉइल्ड पोटैटो है और उसमें जो यूज होगा हम जब बनाएंगे तो ये जाएगा प्याज, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और नट्स में देखिए ये हुआ पी नट जो ग्राउंड नट, ये उड़द दाल, ये चना दाल, और जो सूखा मसाले जैसे ये हुआ चाट पाउडर और आमचूर पाउडर, और चाट मसाला मेरे पास नहीं है तो ये अमचूर पाउडर, ये जीरा पाउडर, ये गरम मसाला, ये हल्दी पाउडर, ये मिर्ची पाउडर और ये नमक, ये काला नमक। आप यहाँ चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं, हरी मिर्च और धनिया पत्ता आप यूज कीजिए, मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है हरी मिर्च, लेकिन मैं यहाँ यूज नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे जब खाएंगे उनके मुँह में चला जाएगा, इसलिए वो उनको तीखा लग सकता है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो ये सब यूज करेंगे और अभी कढ़ाई में हम ये सबको ऐड करने के बाद ही ये ऐड करेंगे और स्टफिंग बना लेंगे। थोड़े कड़ी पत्ता भी यूज करेंगे, बहुत अच्छा खुशबू आएगा। फिर देखिए हम कढ़ाई में ले रहे हैं जीरा एंड राई, मस्टर्ड और जीरा कुमिन सीड ऐड कर रहे हैं, थोड़ा चटक जाने के बाद हम ऐड करेंगे ग्राउंड नट जो मूंगफली, उसके बाद इसको थोड़ा भून लेंगे, मूंगफली को भून जाने के बाद हम उड़द दाल और चना दाल ऐड करेंगे, बहुत सुंदर खुशबू मिलता है। फिर देखिए मैं ऑनियन यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ये थोड़ा भून जाने के बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और सूखा मसाले में आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर, थोड़ा काला नमक ऐड की हूँ, सॉल्ट भी। फिर उसके बाद बॉइल्ड स्मैश पोटैटो को हम यहाँ ऐड करेंगे, स्मूथ होने तक फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। हमारा रेडी हो गया, ये इसका जो स्मेल जो खुशबू आ रहा है पूछिए मत। फिर वो दो में हम एक पेड़ा लेंगे और पूरी की तरह बेल लेंगे, बीच में से कट कर लेंगे 2 भाग में और इसमें हम समोसा बना लेंगे। देखिएगा समोसा बनाने के लिए इस तरह हम बीच में से लेके पैकेट जैसा बना लेंगे, और वो जब हम लगाएंगे थोड़ा पानी देकर इसको चिपका लेंगे पैकेट के दोनों साइड में, तो ये जब तलेंगे तब खुलेगा नहीं,
फिर उसके बाद जो स्टफिंग बनाए थे इसके अंदर भर देंगे, फिर टाइट थोड़ा पानी लगा रही हूँ देखिए किनारे में, ताकि ये ना खुले तलने के वक्त, फिर अच्छी तरह टाइट करके हम समोसा का शेप दे देंगे देखिए इस तरह, फिर इसको हम लेकर तल लेंगे। मीडियम आंच पर ही रखिएगा, ऑयल ज़्यादा फ्राई होने पर समोसा जल जाएगा, नहीं तो बबल निकल जाएगा वो उसके सरफेस पर, तो अच्छा नहीं दिखता। तो थोड़ा लो फ्लेम कर दीजिए जब तल रहे होते हैं, तो ये गोल्डन ब्राउन हो जाने पर आप निकाल दीजिए, टिश्यू पेपर के साथ आप रख सकते हैं, और उसके बाद कोई हरी चटनी या टोमेटो सॉस इस तरह आप सर्व कर सकते हैं। बहुत हॉट है। ले जाओ फिर, और बाकी अच्छा नहीं है, चलो बहुत हॉट है देख कर खाओ। देखिए अभी मैं कपड़े बाहर सुखाई थी वो लेकर आ जाती हूँ, शाम हो गया है और अभी याद आया मुझे, तो किचन को जाएंगे, किचन को जाकर हम बनाएंगे इवनिंग टी, तब तक हम कपड़े लेकर आ जाते हैं। जी अंधेरा हो गया है, कपड़ा लेने आई हूँ। देख पा रहे ये देखिए पूरे कपड़े मेरे सूखे हैं सब, देखिए अब निकालेंगे एक एक कुछ, ऐसे ही होता है हम लेडीज का काम, कुछ भी हमें बार नहीं होता, शाम हो रात हो अंधेरा हो दिन हो कब भी हमको काम करना पड़ता है। कपड़े पूरे सूखे भी नहीं है, इसको रख देते हैं यहाँ पर, रात को फैन डालकर सुखा देंगे कोई रूम देखकर। अभी देखिए बाहर हमारा डोडो, और मेरे साथ तो कोई वीडियो बनाने को रेडी नहीं है, तो मैं सोची कि चलो आज डोडो को ही देखा लेते हैं। डोडो ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, आ जा, आ जाओ डोडो। डोडो नहीं हुई, डोडो मुझे देखने पर खाएगा, खा लो खा लो। अच्छा देखिए देखिए कितना प्यारे उसको देखिए। उसको बांध कर नहीं रखना चाहिए, लेकिन घर में छोड़ देंगे तो सुसु करता रहता। आओ चाय के साथ क्या खाना है कुछ तो बोलो, हंस क्यों रहे हो? यहाँ बैठ जा शमा, तुम बैठ कर उसको काम कर दो, उसका पैर को देखिए कैसे कर रहा है। चिकन खाई सारा यहाँ खाई बन, हे कहीं हाँ हाँ हो चुका, हाँ सामुड़ी बोल, बाप रे इतना गुस्सा कर रहा है देखिए, खेल ले। उसको और कमिंग नहीं चाहिए, मत करो। ये डॉग नहीं है, पूरा भालू जैसा बन गया है, भालू ऐसे गोल क्यों बन गया है, इतने मोटे मोटे उसका हेयर हो गया, देखो हाँ बॉल बन गया है वो, अच्छी तरह कम करने से वो बॉल जैसा दिखता है, इतना मोटू दिखता है। कितने शेडिंग हुए देखिए उसका हेयर, ऐसे एक एक बार कर देना चाहिए तभी वो हेल्दी रहते हैं, जुए वगैरह नहीं लगता। उधर क्यों ले रहे हो? मेरा वीडियो या आपको यदि थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन आएगा उसको प्रेस कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मुझे नया नया सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तो यहाँ रहती हूँ, कल फिर मिलेंगे, विदा दे दीजिएगा टिल देन, जब मिलेंगे तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, नमस्कार, जय जगन्नाथ, टेक केयर।